तो यहाँ पर चावल के पापड़ बनाने के लिए हम 1 ग्लास जो है चावल का आटा ले लेंगे। इसमें हमने जो है वो चावल का आटा डाल दिया है और इसमें हम लगभग 1.5 ग्लास जो है वो पानी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, कोई भी लम्स ना रहे इसमें। और फिर से हम 1 ग्लास इसमें पानी डालेंगे। इसे हम रात भर के लिए ऐसे ही ढक कर रख देंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अस्मिता और आज हम बनाने वाले हैं चावल के पापड़, जिसकी हल्की सी जो प्रिपरेशन है वो कल रात में ही हमने करके रख दी थी, जिससे कि आज जल्दी जल्दी से हमारे जो है वो पापड़ बन जाएंगे, क्योंकि पापड़ बनाने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो इस वजह से ही हमने जो है वो कल ही थोड़ी सी प्रिपरेशन उसकी कर ली थी और आज हम बनाएंगे पापड़ चावल के, जो कि आम रस के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो चलिए फटाफट से आज का ये जो व्लॉग है इसकी शुरुआत करते हैं। और यहाँ लगे हुए हैं मोगरे के फूल, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इनकी, बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। यहाँ एक बड़े से पतीले में हम लगभग 8 ग्लास जो है वो पानी ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम लगभग 1 से 2 चम्मच जो है वो नमक डाल देंगे। इसमें से थोड़ा सा जो पानी है वो पहले हम अलग निकाल के रख देंगे, क्योंकि जब ये पकेगा, अगर हमें लगेगा कि और डालना है तो यही गर्म पानी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो पानी है ये अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें अब हम ये जो चावल भिगोए थे उसे डाल देंगे। लगभग 1 बड़ा चम्मच जो है वो तेल डाल देंगे। हाथी में थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम। तो यहाँ हमारा जो चावल के आटे का जो मिक्सचर है पापड़ों के लिए, ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो इसका एक जो साइन है, ये कैसे तैयार होता है, तो आप एक लाइन ऐसे कीजिए, देखिए दोनों जो है पार्ट सेपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो है वो तैयार हो गया। अब गैस को बंद करेंगे हम, जल्दी से ही इसके अब हम पापड़ डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हो गए हैं हमारे चावल के आटे के जो है पापड़ तैयार हो गए हैं। अब ये सूखेंगे दिन भर।
तो यहाँ पापड़ हमारे सूख गए हैं और इनको उल्टा करके इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, जिससे कि जो है हमारे पापड़ आसानी से निकल जाए, क्योंकि हमने बेडशीट के ऊपर डाला था इसे। ऐसा हमने जो है पूरा गीला कर लिया है इसे। और अगर सूखा है ये देखिए जो अच्छा गीला है ना वो निकल रहा है ना, अगर सूखा है तो वो टूट रहा है फिर। तो ये रहे वो चावल के पापड़ जो हमने बनाए थे, और साथ ही में आंबे का रस, मतलब कि आम का रस यहाँ पर है, तो इसके साथ मैं इंजॉय करने वाली हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आपको अगले रेसिपी वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।